दोस्तों एक बार फिर तो सारा का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल वैबटैक हट च। तो इस वीडियो आप गल करा कि ईमेज आप किमें लगा सकते हैं रिएक्ट नेटिव दे अपनी एप्लीकेशन के जो ईमेज टैग हूँ वह भी किमें यूज़ करना। ठीक है, तो ये ईमेज टैग ही हूँ अपने को। सारे ना पहले मैं तुम्हें दिखा दिया कि मैं अपनी जी एप्लीकेशन है वो नव फोल्डर बनाया एसेट्स नाम के फोल्डर के मैं एक ईमेज जी हैगी पेस्ट कर रखी है। ठीक है, ईमेज फाइल t1.jpg। तो इस तरीके का सिंपल जहा ईमेज है। तो हम सर ना पहले तो आप एक नवी फाइल मैं थोड़ा एक बार दिखा दें मैं अपनी स्क्रीन दे की चल रहा अपनी स्क्रीन दे सिंपल वैब आ रहा बट मैं चाहना कि एक नवी ईमेज की फाइल बनाई जाए। ठीक है, तो मैं एक नवी ईमेज की जी फाइल हैगी है वह बना लेना वो नाम रख दें आप img main.js कोई भी नाम तुम रख सकते हो। ठीक है, RAFCE तो रिएक्ट एरो एक्सपोर्ट कंपोनेंट रिएक्ट का ही एक आप कर लें एक्सपोर्ट तो इतों हटा लें सिंपल ये डिव नहीं काम करता तो ये रिएक्ट नेटिव कर दे व्यू काम तो इतने आप सिंपल एक लिख दें टैक्सट। ठीक है, इतने आप लिख दें टैक्सट टैक्सट के लिख दें आप वैब ईमेज। ठीक है, ईमेज ज आप ऐसे लिख सकते हैं माई ईमेज कुछ भी लिख सकते हैं यार कुछ भी लिख दो तुम तो उपर ध्यान रखो जो टैक्सट को इंपोर्ट कर ले जो नहीं तो एरर आ जाना। ठीक है, तो टैक्सट व्यू में रिएक्ट नेटिव इंपोर्ट कर लिया तो इधर हूँ आ फाइल में आप ईमेज मेन हैगी है यू आप इतने कॉल कर लें सिंपल जो अपने को व्यू सारा आप हटा दें इतने लिख दें आप ईमेज img मेन फाइल का नाम तो उपर अपने को इंपोर्ट हो चुकी है इनू आप करते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग दे दें। ठीक है, तो हम इस फाइल के आप लगा ईमेज इस व्यू तो अपने को एक टैग हों ईमेज देखो ये रिएक्ट नेटिव दे कंपोनेंट मिल जाता बनया बनाया। ठीक है, हुण नॉर्मल आप ईमेज के सोर्स टैग होंगे एक SRC बट जो आप रिएक्ट नेटिव दे यूज़ करते हैं तो इन्हों का एक प्रॉप पास करना पेगा सोर्स दे पास करना पेगा रिक्वायर पास देने। ठीक है, रिक्वायर आप दें जो अपना फोल्डर है ना यानी कि अपना फोल्डर एसेट्स के अपनी फाइल सी फाइल का नाम एक बार देख लें आप ti.jpg। ठीक है, तो इतने आप लिख दें ti.jpg। ठीक है, देखते हैं आप वापस अपने फोन के कोई एरर तो नहीं तो ti.jpg डज नॉट टी आप लिखता कल आई डी लिखा है ना तो करके एरर आ गया। देखते हैं सब कुछ ओके है तो देखो अपना ईमेज भी जो आ चुका है बट यू आप हाइट वेट देनी पेगी तो सारे ना पहले तो आप दे दें स्टाइल दे वेट्स दे 200 पिक्सल ये आप लिखते हैं 200 क्योंकि पिक्सल वगैरह लिखा जाता तो हाइट लिखते हैं हाइट भी आप लिख दें 200। ठीक है, देखते हैं अपना ईमेज प्रॉपर वर्क कर रहा कि नहीं थोड़ा जहाँ आपका ईमेज जो है ये वट्टा कर लें 300x300 तो मैं परसेंटर जरूर लेके आवेंगे एक बार इस तरीके ने देखते हैं देखो ईमेज अपना आ चुका है। हुण आप चाहते हैं मोबाइल स्क्रीन सेंटर चो टैक्सट ईमेज तो आप दें थोड़ा जहा स्टाइल इनू स्टाइल दें इनू करते हैं आप फ्लैक्स 1 तो इनू आप दें हूँ जस्टिफाई कंटेंट आप कर दें सेंटर। ठीक है, तो एक आप कर दें अलाइन आइटम जड़िया है वो भी आप कर दें सेंटर। ठीक है, तो हम देख रहे अपने ईमेज जो सेंटर च आ रहा तो वधिया तरीके दिख रहा है ना थोड़ी हाइट वेट्स आप होर वड्डी कर दी तो कोई हर्ज नहीं तो इस तरीके जो अपना ईमेज हैगा वह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हुण देखो ईमेज कंपोनेंट अपना बन गया इसमें आप कभी भी यूज़ करिए तो मैं चाहना कि जेडे आह ईमेज हैगी है टैग
कंपोनेंट इन्हें एक दो होर इमेज लगा लीए तो हाँ देखो मस्ट बी GSX एलीमेंट मस्ट बी इंटैग्रेट यू GSX। अच्छा फ्रैगमेंट दे विच कहिंदे भी यूज करने आपां इह क्योंकि मल्टीपल है अपने को इनू आप कर दें इतों कट रिएक्ट ला के बहने चलते कि नहीं आ रहे चल पे भी है ना एक अद्धा अगर आप होर लगा दीए ठीक है। हाँ देखो दो तीन इमेज अपने जोड़े आ चुके हैं ठीक है तो इस तरीके ईमेज वर्क करेंगे बाकी स्टाइलिंग वगैरह तुम आप कर ले जो तो आप इतने दो ही रह दें तो अपना मेन काम से भी ईमेज आप किमें शो करा सकते हैं अपनी रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन के अपना चैनल दोस्तों जरूर सबसक्राइब कर दो वीडियो चंगी लगी तो लाइक तो कमेंट भी कर दिया करो ठीक है। तो इस तरीके अगे जो होर टैग वगैरह होंगे वो थोनों दसे जाएंगे तो होर जो चीज़ें बेसिक्स आप क्लीयर करा रहे हैं तो शुरू तो लैके अपनी एंड तक रिएक्ट नेटिव वाली प्लेलिस्ट तुम देख सकते हो। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो। ओके दोस्तों बाय बाय टेक केयर।